नमस्कार अपने सब देखत तानी आज तक और रुआ सबके साथ हम बानी आई नैना आपन नया सेगमेंट के शुरुआत करत तानी आए के पांच बड़ खबरन के संगे। सबसे पहले बात करत तानी राजनीति के खबर के। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार के बीच भईल सीक्रेट मीटिंग के लेके घमासान मच गईल बा। महाराष्ट्र में शरद पवार और अजित पवार के मुलाकात के लेके महाअधाड़ी में बयानबाजी तेज हो गईल बा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ई चाचा भतीजा के गुप्त मुलाकात के लेके सवाल किले बाड़े तो ओहिजा कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र में नेता विपक्ष ई कह के सियासी भूचाल ला देल बाड़े कि प्रधानमंत्री मोदी अजित पवार के सामने शर्त रखले बाड़े कि जबले शरद पवार साथे ना आई हैं तबले ऊ मुख्यमंत्री ना बन पहिए। 2024 के चुनाव के लेके गठबंधन के जोर आजमाइश भी कम निखे। एक ओरे विपक्ष जोर शोर से मंच पर आ गईल बा तो दूसरा ओर बयानबाजी और खींचतान खत्म होवे के नाम निखे लेत। केजरीवाल के लेखे कांग्रेस में घमासान बा। 31 जुलाई के हरियाणा के नूह में हिंसा भयल रहे। विहिप के शोभा यात्रा पर हमला भयल, 6 लोग के मौत हो गईल। नूह आज तक ओ हिंसा से उबरल नहीं खन। हिंसा के पीछे धार्मिक ताकत रहे। आरोपी हिंदू आ मुस्लिम दोनों तरफ से बनावल गईल। ए हिंसा में एगो ऐसन किरदार रहे जेकर गिरफ्तारी के इंतजार रहे, ऊ रहे बिट्टू बजरंगी। बजरंग दल के प्रतिनिधि अपना के गोरक्षक कहत। 15 दिन बाद नूह पुलिस बिट्टू बजरंगी के बहुत नाटकीय तरीका से गिरफ्तार कर लेलस। बड़बड़ सवाल उठत रहे कि हरियाणा पुलिस बिट्टू बजरंगी के गिरफ्तारी में देरी काहे। हरियाणा पुलिस के गिरफ्तारी में 15 दिन लागल लेकिन अब की बेर बिट्टू के घेराबंदी के पूरा कानूनी इंतजाम भई। बाधा पहुंचावे के अलावे IPC के कई धारा भी लगावल गई बा। बिट्टू बजरंगी के लेके हरियाणा के मनोहर लाल सरकार पर लगातार निशाना बनल रहल बा। भारत काल्हू अपना आजादी के 77वां सालगिरह मनवली। एकरा से एक दिन पहले पाकिस्तान भी अपन आजादी के जश्न मनावत रहे। अब की बेर भारत के स्वतंत्रता दिवस सिनेमा प्रेमियन खातिर खास हो गिल बा। एकरा पीछे भारत और पाकिस्तान के ऐसन प्रेम कहानी बा जवन दशक बीतला के बाद भी दर्शकन के दिल में महसूस हो रहल बा। हम बात करत बानी सनी देओल और अमीषा पटेल के फिल्म गदर 2 के। भारत के विद्रोह पाकिस्तान तक हलचल मच रहल बा। कैसे एह विद्रोह से बड़का पर्दा पर रिकॉर्ड तोड़े वाला विद्रोह पैदा भयल बा। गदर 2 तेजी से एह दशक के सबसे बड़ हिट फिल्मन का ओर बढ़ रहल बा। अनुमान लगावल जा रहल बा कि गदर 2 जल्दी शाहरुख खान के पिछला हिट फिल्म पठान के 500 करोड़ से अधिका के रिकॉर्ड टूट सकेला। पाकिस्तान में गदर 2 रिलीज तक नइखे भइल लेकिन सोशल मीडिया पर झलक देख के पाकिस्तानी इतना परेशान हो गईले कि कहे लगले कि हिंदुस्तान बर्बाद देश के कतना मार दी। भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में चलत मोरारी बापू के रामकथा में शामिल भिले। रामकथा में 40 मिनट से अधिका समय बितवले। मोरारी बापू सुनक के शिवलिंग भेंट किले, सुनक बापू के शाल भेंट किले। खास बात ई बा कि ऋषि सुनक आपन संबोधन के शुरुआत जय सिया राम कह के कैले। ऊ कहले कि हम यहाँ हम हिंदू के रूप में आयल बानी। मोरारी बापू भी सुनक के कार्यकाल खातिर बधाई दिले। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से भारी तबाही मचल बा। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन में पहाड़ तोड़े वाली आपदा में मरे वालन के गिनती 60 हो गिल बा। हिमाचल के हर शहर के सामने आपदा आ रहल बा। दिल्ली के संगे संगे कांगड़ा के तस्वीर भी दिखाई देता जहां पानी में फंसल लोग के बचावे खाती बचाव अभियान चलावल गईल। अबूरी 700 से ज्यादा लोग के जान बचावल गईल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नदी अबूरी नाली के बाढ़ बा। इंडोरा आ फतेहपुर इलाका में जब लोग पानी में फंसल रहे तो ओह लोग के बचावे खातिर सेना के तैनाती करे के पड़ल। वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर के तैनाती करे के पड़ल। तो ये रही आज की 5 बड़ी खबरें, वो भी भोजपुरी में। कमेंट करके जरूर बताई कि रुआ सबके ई भोजपुरी सेगमेंट किसन लागल।